हेलो फ्रेंड्स, आद्यास क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ चयोटे की सब्जी। इसको बेंगलोर ब्रिंजल या सीमे बदने का ही बोलते हैं कर्नाटक में, और हिमाचल में लंकू बोलते हैं, और बंगाल साइड में स्क्वैश भी बोलते हैं। महाराष्ट्र में इसको वेल वांगा कहा जाता है। देखने में ये बिल्कुल लौकी की तरह लगती है। इसको अब मैं काट के दिखाती हूँ। इसकी बाहर की जो स्किन होती है बहुत हार्ड नहीं होती, नहीं भी निकाले तो भी सब्जी अच्छे से पक जाती है, लेकिन मैं ऊपर का छिलका निकाल रही हूँ। छिलका निकालने के बाद हाथों में ये ज़रा चिपचिपा लगता है। दोस्तों, कभी भी आपको ये आपके यहाँ पे मिल जाए तो ज़रूर इसकी सब्जी बनाइएगा। देखिए, मैंने अच्छे से स्किन निकाल दिया है इसका। अब मैं काट के दिखाऊंगी। ये सब्जी बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए आसानी से कट जाती है। बीज का बीज को अलग कर दीजिए ऐसा। ये देखिए कितनी आसानी से कट जाती है। और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देना है। इसका जो हल्का सा चिपचिपाहट रहता है उसको निकालने के लिए मैं इनको पानी में डाल रही हूँ। अब हरी मिर्च के भी छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। दोस्तों, ये सब्जी बनाने के लिए ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं लगती। मैंने दो प्याज भी लिया है, आप बिना प्याज के भी बना सकते हैं। प्याज को छोटे टुकड़ों में काट देंगे। अब हम सब्जी के लिए तड़का लगाएंगे। दो सूखी लाल मिर्च, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, धनिया, डेढ़ चम्मच चना दाल, डेढ़ चम्मच उड़द दाल, ताज़ा नारियल। अब एक पैन में 2 से 3 चम्मच तेल गरम करेंगे। कोई भी तेल ले सकते हैं आप। एक बार तेल गरम हो जाए तो गैस की आंच को धीमी कर दीजिए। 1 चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा डाल के और 1 छोटा ही चम्मच हींग डाल के इसको पकने दीजिए, और चना दाल और उड़द दाल को डाल के हल्का सा भून लीजिए। दाल हल्का सा गुलाबी रंग के आ जाए तो बस है, बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। और लाल मिर्च को फ्राई करेंगे। उसके साथ ही कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। सारे मसालों को हल्का सा फ्राई करना है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें और कोई मसाला नहीं लगता। अब प्याज डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक प्याज को पकाना है।
इस स्टेज पे हल्दी मिलाएंगे। अभी मैंने आधा चम्मच हल्दी लिया है। सब्जी में अच्छा सा रंग आ जाता है इसकी वजह से। अब इसमें कटी हुई चयोटे भी डाल दूंगी। इसे वैसे चौचो भी कहा जाता है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। अब एक बार सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। उसके बाद एक चम्मच शक्कर। अब सब्जी को ढक करके पकने देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। सब्जी को पकने के लिए एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है। ढक के पकाने की वजह से सब्जी अपना मॉइस्चर छोड़ देती है। इसी पानी में वो पक जाती है। अब 5 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकते हुए। एक बार चेक कर लेंगे। दस मिनट के अंदर ये भाजी बनके तैयार हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कितना पानी छोड़ा है। अभी हम नारियल को डाल के पकाएंगे। दोस्तों नारियल की वजह से इस सब्जी में एक मीठा सा टेस्ट आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ये सब्जी 10 मिनट के अंदर अच्छे से पक जाती है, अगर नहीं भी पका तो भी हल्का सा क्रंच बहुत अच्छा लगता है। फिर से ढक के 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब सब्जी बन के तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा बना है। अब इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और धनिया डाल के इसको सजाएंगे। और ऊपर से और थोड़ा नारियल डाल देंगे। आप सबको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।